हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सेशन वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से सेशन काम करता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज में हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ट्रैवल करती है, और हमने कभी भी ये नहीं ध्यान दिया होगा कि ये कैसे होता है, कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज में वेरिएबल को ले जाते हैं और कैसे उनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये है मेरा होम पेज। यहाँ पर मैं कोई भी नाम वैल्यू एंटर करूँगा, ये हमारे दूसरे पेज में चले जाइए। ये करने के दो तरीके हैं, या तो हम सेशन वेरिएबल का यूज़ करें या फिर हम कुकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। तो आज हम सीखेंगे कि सेशन वेरिएबल का यूज़ करके कैसे हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। यहाँ पर हम अपना कोई भी नाम डालते हैं और गो टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा एंटर किया हुआ नाम यहाँ पे आ रहा है, हेलो मिस्टर जॉन। अगर हम नेक्स्ट पेज में और आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो हमारी ये इंफॉर्मेशन अगले पेज पर भी चली जाएगी। ये देखिए, दिस इज लास्ट पेज, बाय बाय मिस्टर जॉन। तो ये करने के लिए हमें सेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेशन कैसे काम करता है, सेशन कब डिस्ट्रॉय होता है और कब हम इसको रोक सकते हैं। सेशन एक ऐसा वेरिएबल होता है जो ग्लोबली होता है। हम इसको अपनी पूरी पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं भी हम सेशन वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम सेशन क्रिएट करते हैं या सेशन बनाते हैं, एक यूनिक सेशन आईडी की फाइल हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो php.ini है उसका कॉन्फ़िगरेशन वहां पर होता है। वहां पर जाके एक डिफ़ॉल्ट सेशन आईडी की फाइल क्रिएट हो जाती है जो हमको एक यूनिक सेशन आईडी देता है जिसपे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। अगर हम अपने पेज में सेशन वेरिएबल का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेशन स्टार्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ये सेशन को स्टार्ट कर देता है। सेशन डिस्ट्रॉय, ये किसी भी पर्टिकुलर सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कहीं भी सेशन डिस्ट्रॉय लिखा है तो जितने भी अवेलेबल सेशन होंगे ये सारे सेशन को डिलीट कर देगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अनसेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हम एक सेशन वेरिएबल में वैल्यू को कैसे डालें। उसका तरीका है $_session, ये सारा कैपिटल में रहेगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस सेशन का नाम, मैंने यहाँ पे नेम डाला है, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू, अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर बिना इन्वर्टेड कॉमास के वैल्यू। अब हम उन वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। हम उन वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आइए हम इन सारे फंक्शंस का यूज़ देखते हैं और एक छोटी सी को मैं नाम देता हूँ homepage1.php। एक हम फॉर्म बना देते हैं जिससे हम अपना डेटा भेजेंगे। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू इस पेज का जो नाम है PHP स्क्रिप्ट रखेंगे, इसी पेज में लिखेंगे homepage1.php। मेथड हम पोस्ट यूज करेंगे। एक हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम यूजर का नाम लेंगे। कंट्रोल का नाम हमने नेम रख दिया है। अब हम एक सबमिट बटन बनाएंगे। इसका नेम हम रख देंगे चेक वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट। ओके, ये तो हमारा एक कंप्लीट फॉर्म बन गया। आइए हम इसका ब्राउजर में आउटपुट देखते हैं। लोकल होस्ट 95 सेशन इसको बनाया php1। ये अभी यहाँ पे क्लिक करने से एरर आएगी क्योंकि अभी कुछ भी हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो हम इसका कोड लिखते हैं यहाँ पर।
PHP, हम चेक करेंगे क्या यूज़र ने सबमिट बटन पर क्लिक किया है, तो उसके लिए इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, सबमिट बटन का नाम, हमने सबमिट बटन का नाम सी एच के रखा हुआ है, तो सी एच के अगर यूज़र ऐसा करता है तो हमको क्या क्या करना है, हम एक वेरिएबल में यूज़र का नाम स्टोर करा देते हैं, डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम, यूज़र ने जो नेम इंसर्ट किया वो यहाँ पे आ गया। अब हमको एक सेशन बनाना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, अब हमको ये नाम उस सेशन वेरिएबल में डालना है, तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, और हमको दूसरे पेज में जाना है तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे, हेडर लोकेशन नेक्स्ट पेज डॉट PHP। अब हमको एक नेक्स्ट पेज डॉट PHP बनाना पड़ेगा, हम बनाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज डॉट PHP, यहाँ पे हम PHP की सिर्फ PHP की कोडिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट, ये हमको ध्यान रखना है कि हर एक पेज पे हमारा सेशन स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सेशन स्टार्ट, अब हम इको पे कराते हैं, हेलो मिस्टर थोड़ा स्पेस डॉट डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम, जो भी हमने यहाँ पे डाला होगा वो यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, यू हैव सक्सेस फुली सेशन। यहाँ पे हम अपना नाम डालते हैं XYZ, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और अगर हम इसको रिफ्रेश करने पे भी यही आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि रिफ्रेश करने पे हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, सेशन डिस्ट्रॉय, हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। एक और बात, सेशन मेमोरी में तब तक रहता है जब तक ब्राउजर ओपन रहता है, अगर हम ब्राउजर को क्लोज करके